आज कोलकाता में आना मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। 125 वर्ष पहले आज के ही दिन मां भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी। आज के ही दिन गुलामी के अंधेरे में वो चेतना फूटी थी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं। उन्होंने विदेश में जाकर देश से बाहर रहने वाले भारतीयों की चेतना को नेताजी ने कहा था, भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। ऐसी हौसले से भरी का सिर्फ और सिर्फ नेताजी ही दे सकते हैं। और आखिर उन्होंने दिखा भी दिया कि जिस सत्ता का सूरज कभी अस्त नहीं होता, भारत के वीर सपूत रणभूमि में उसे भी परास्त कर सकते। मैं नेताजी के बारे में सोच रहा हूं, देशवासियों के बारे में सोच रहा हूं, वो किसके लिए जीवन भर इतना रिस्क उठाते रहे। सवाल यह है हमारे और आपके, कौन ऐसा होगा जिसके जीवन के पीछे इतनी बड़ी अंग्रेजी हुकूमत लगी हो, वो जान हथेली पर रखकर फरार हो जाए। हफ्तों हफ्तों तक वो काबुल की सड़कों पर अपना जीवन दांव पर लगाकर एक एम्बेसी से दूसरी से चक्कर काट लगाता रहे, किसके लिए? हमारे और आप। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के शरीर में बहती रक्त की एक एक बूंद नेताजी सुभाष की ऋणी है। ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे? आज हर भारतीय अपने दिल पर हाथ रखे, नेताजी सुभाष बाबू को महसूस करे, तो उसे फिर से ये सवाल सुनाई देगा, अमर वीर का ताज तोड़ते पार में क्या मेरा एक काम कर सकते। ये काम, ये काज, ये लक्ष्य आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, देश का जन जन, देश का हर क्षेत्र, देश का हर व्यक्ति इससे जुड़ा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गरीबी को, अशिक्षा को, बीमारी को देश की सबसे बड़ी समस्याओं में गिनते हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि आज देश में जो बदलाव हो रहे हैं, जो नया भारत आकार ले रहा है, उसे देख नेताजी को कितनी संतुष्टि मिली, उन्हें कैसा लगता जब वो दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी में अपने देश को आत्मनिर्भर बनता देख, उन्हें कैसा लगता जब वो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में, शिक्षा में, मेडिकल सेक्टर में भारतीयों का डंका बजते देख, जब वो देखते कि भारत वैक्सीन देकर दुनिया के दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, तो उन्हें कितना गर्व हो। जिस सशक्त भारत की उन्होंने कल्पना की, आज एलएसी से लेकर के एलओसी तक भारत का यही अवतार दुनिया देख, जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। नेताजी जैसे महान व्यक्तित्वों के जीवन से हम सबको और खासकर युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर वो किसी काम के लिए
एक बार आश्वस्त हो जाते थे तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक प्रयास करते थे। नेताजी सुभाष आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ ही सोनार बंगला की भी सबसे बड़ी प्रेरणा, जो भूमिका नेताजी ने देश की आजादी में निभाई थी, आज वही भूमिका पश्चिम बंगाल को आत्मनिर्भर भारत अभियान में निभानी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व आत्मनिर्भर बंगाल और सोनार बांग्ला को भी करना। नेताजी की तरह ही हमें भी अपने संकल्पों की प्राप्ति तक अब रुकना नहीं है।